टिप्स फॉर ट्विन्स प्रेगनेंसी। आज हम आपको वो तमाम बातें बताएंगे जिसमें अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी पर जाना चाहें तो आपकी मदद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन कपल्स के बारे में जो ये चाहते हैं कि ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज के इस मसरूफ़ दौर में ख़वातीन अक्सर सोचती हैं कि एक ही बार दो बच्चे पैदा हो जाएं तो आसानी है कि बार बार हमल का 9 महीने का पीरियड गुजरे और फिर बच्चा पैदा हो, तो जो 2 या 3 बच्चे करने हैं उसमें वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी को कट डाउन करके ट्विन्स प्रेगनेंसी पर चले जाएँ या ट्रिपलेट्स पर चले जाएँ। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए क्या क्या अवामिल ऐसे हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं और उनको देखते हुए आपको फ़ैसला करना है कि आपने ट्विन्स प्रेगनेंसी पर जाना है या सिंगल प्रेगनेंसी पर। तो आइए आज हम वो तमाम अवामिल डिस्कस करते हैं। एक बात तो ट्विन्स प्रेगनेंसी की ये है कि आपकी फैमिली में ट्विन्स हैं तो आप नेचुरल तरीके से ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाती है, आपने उस पर कोई असरअंदाज नहीं हुए, आपने ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन ट्विन्स प्रेगनेंसी हो गई। वो तो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है और उसे आपको लेकर चलना है। उसमें जो मुश्किलात आएंगी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन कपल्स की जो कि असरअंदाज होना चाहती हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में उनको ट्विन्स हो जाएँ या ट्रिपलेट्स हो जाएँ। तो ये फैसला करने से पहले आपने क्या क्या अपने माइंड में रखना है। नंबर 1, आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 18 से 21 साल के दरमियान में है तो आप बहुत यंग हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए। आपका जिस्म अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी का प्रेशर लेकर चल सके। इसी तरह से 30 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो गई है तो भी आप ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए इन्फ्लुएंस ना करें, कोई ऐसी मेडिसिन ना लें, क्योंकि उस सूरत में भी ख्वातीन के जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और ट्विन्स प्रेगनेंसी का प्रेशर उनके लिए लेकर चलना 9 मंथ तक मुश्किल हो जाता है। एज को अपने माइंड में रखिए। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं। वर्किंग ख्वातीन के लिए ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए आराम करना मुश्किल हो जाता है। ट्विन्स प्रेगनेंसी को अपने माइंड में रखिए, जब ये 2 महीने की ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो जो नेचुरल सिंगल प्रेगनेंसी होती है उसके मुताबिक वो 4 महीने की लगेगी, और जो 4 महीने की ट्विन्स प्रेगनेंसी है वो 8 महीने का वज़न और प्रेशर देगी। तो जब आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी है और आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके लिए अपनी वर्किंग प्लेस पे कंफर्टेबली काम करना मुश्किल होगा और आप पूरे 9 महीने बेड रेस्ट भी नहीं ले सकती। तो अपने माइंड में जब आप प्लान कर रही हैं तो ये ज़रूर रखिए कि आप अपने वर्किंग स्टेशन पर ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती हैं या ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर चल सकती हैं। मेडिकली ये बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है कि आप डेली वर्किंग प्लेस पर पहुँचें। अगर आपको ट्रैवल करके जाना है तो भी मुश्किल है, और अगर आपकी वर्क प्लेस ऐसे है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी हैं तो भी मुश्किल है। अगर आप किसी ऐसे घर में रहती हैं जिसके आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकें। इससे भी ट्विन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम है तो ट्विन प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर और शुगर, एक्लेम्शिया, PIH, गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये बढ़ जाते हैं और एक नॉर्मल डिलीवरी, एक नॉर्मल बच्चा पैदा करने में आपको दुश्वारी का सामना होता है। आपका बच्चा या तो, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल बच्चे के वज़न से कम वज़न का होगा, अगर शुगर है तो ज़्यादा वज़न हो सकता है, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है, बच्चे के कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम में जा सकता है जिसके बाद पैदाइश के बाद उसको कोई भी नुकसान हो सकता है या उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कम वज़न हो सकता है, जॉइंडस हो सकता है, ये ख्याल रखिए। इसके अलावा आपको अपने माइंड में रखना है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या आप सिंगल फैमिली में। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई तो आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके पहले बच्चों की कोई केयर कर सकता है, आपको फूड दे सकता है, आपको पकाने की टेंशन से निजात मिल सकती है। लेकिन अगर आप अकेले सिंगल रह रहे हैं तो उस सूरत में भी ट्विन्स प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना तकरीबन नामुमकिन या मुश्किल ज़रूर हो जाता है। इसके लिए हमेशा आपको हाउस होल्ड हेल्प की ज़रूरत होती है
और ट्विंस प्रेगनेंसी की ख़वातीन के लिए और उनके हस्बैंड्स के लिए ख़ास मैसेज है कि अगर आपकी बेगम को ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसमें हस्बैंड्स का बहुत रोल है, उन्हें फुल टाइम मॉरली फिज़िकली सपोर्ट देनी है ताकि वो इस मुश्किल वक्त से आसानी से गुजर सकें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रेशर है फैमिली में जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में हैं तो भी ट्विन प्रेगनेंसी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपने अगर ट्विन प्रेगनेंसी का फैसला करना है, आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है या इन्फ्लुएंस करना है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप प्लीज़ वो अपने माइंड में ज़रूर रखिए। अगर ये तमाम आपके प्लस माइनस हो जाते हैं देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्विन प्रेगनेंसी पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन प्रेगनेंसी में, अक्सर ट्विन प्रेगनेंसी में जब छठा या सातवां महीना आता है तो वक्त से पहले वाली दर्दें शुरू हो जाती हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर अपने चेकअप में रहें और शुरू के ही 3 महीनों से जब चौथा महीना आता है तो हम एक टांका लगा देते हैं जिसे मैकडोनल्ड स्टिच एसके स्टिच कहते हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता और आप 9 महीने तक अपनी ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर चल सकती हैं और सेहतमंद बच्चों को जन्म दे सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।